श्रेया, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? वो सॉरी, मैं थोड़ी बिजी थी। बताओ, एंगेजमेंट के दिन मेरी फियांसी गायब है। क्या हुआ मैडम जी, कहीं इरादा बदल तो नहीं गया? एंगेजमेंट करनी है ना मुझसे? अरे देख क्या रहे हो माँ पापा, बोल दो कि आप नहीं कर सकते हो ये सगाई। I'm sorry अभिराज, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, ना तुमसे और ना अपने आप से। सच ये है कि मैं मूव ऑन ही नहीं कर पाया हूं। श्रेया और मेरे बीच जो भी डिफरेंसेस हो, मुझे उससे जितनी भी शिकायत हो, पर अब भी मेरे दिल में श्रेया ही है। मैं उसी से ही प्यार करता हूं। ईशा, मैं तुमसे एंगेजमेंट कर लूंगा, पर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी और ना ही तुम रह पाओगे। बिकॉज आई लव वैभव, आई लव श्रेया। मैं उसके अलावा किसी के साथ भी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। वैभव सिर्फ श्रेया का है। श्रेया सिर्फ वैभव की? Shreya, I'm sorry for whatever happened. पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। है भी नहीं। I love you. Yeah, yeah, yeah. अच्छा बेटा, किसी की बारात में नहीं आई हो, नाच क्यों रही हो? अरे वो क्योंकि अच्छा वो सपना था क्या? वैभव, आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली आज शाम को हमारी एंगेजमेंट जो है। या आया, कम ऑन श्रेया, कल हमारी भी एंगेजमेंट है और उससे पहले हमें ना डेकोरेशन का सुपरवाइजर करना है, तो चले। चलो माया बेटा, हमें ईशा और वैभव के एंगेजमेंट की तैयारी करनी है। कम रोहित बेटा, तुझे अचानक क्या हो गया था? तू डांस क्यों करने लगी? वही जो सच में होना चाहिए उसको ही सोच सोच के खुश हो रही थी। लगा था अब तो दोनों साथ हो ही जाएंगे,
चाहती तो मैं भी यही हूँ पर डोंट वरी दादी, आप जो चाहती है वही होगा। वैभव अंकल और श्रेया आंटी की सगाई आपस में होगी। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर का भला चाहती हो, लेकिन हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। वो दोनों ही नहीं चाहते हैं। अब उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर उनसे कुछ भी करवाना सही नहीं है। और मनुष्य कोई कठपुतली नहीं है जिसे तुम अपने अनुरूप चला सकोगी। तुम्हें उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। वाह, जैसी माँ लक्ष्मी वैसी ही उनकी भक्त, वो भी तो यही कहती है। इधर आ, ये सब लक्ष्मी माँ ने तुझसे कहा? तुझे दिखती है वो? वो मैंने माँ लक्ष्मी, विष्णु जी और सारे देवी देवता तो यही कहते हैं ना कि मनुष्य की इच्छा के साथ खेलना नहीं चाहिए। वो मैंने किसी पंडित जी से सुना था। पर दादी, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वैभव अंकल और श्रेया आंटी का साथ आना ही सही है और वही होगा। इस चुटकू आशा को क्यों इतना इंटरेस्ट है वो श्रेया और वैभव को साथ मिलाने में? मॉम, मैं क्या कह रही थी कि देखिए ना, इन सारी एंगेजमेंट के ड्रेसेस में से सबसे बेस्ट मुझ पे कौन सी लगेगी? मुझे ना सबसे प्रीटी लगना, जस्ट लाइक आलिया। नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि इनके साथ मैं हेयर स्टाइल किस टाइप का करूं? लाइक आई वांट टू डू अप टू और शैल आई गो फॉर कर्ल्स या फिर हैंग ऑन, मैं इंटरनेट पे देख लेती हूं एंगेजमेंट में बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा रहेगा। माया, इसे भेज देना किसी सलोन। ये मेरे सर के ऊपर बैठी होती है ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्लीज सेंड हर। मॉम रिलैक्स, रिलैक्स। बट मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई डू? नथिंग नथिंग सिस। तुम जाओ ना सलोन, अपॉइंटमेंट बुक करा लो, वरना लेट हो जाओगी, है ना? गो 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 गो। या गुड नाइट। मॉम, आप इतना क्यों सोच रही हो साशा के बारे में? सोचने वाली तो बात है ना माया, चार दिन पहले आई हुई अनाथ बेसहारा लड़की ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है वैभव और श्रेया को साथ मिलाने में? कुछ तो कनेक्शन है। I'll have to find out. श्री, अगर तू यहां होती तो तेरे माँ बाप कभी अलग नहीं होते। लक्ष्मी माँ मुझसे रूट गई है, तू भी चली गई है। काश कि तू कहीं से आ जाए और ये सगाई होने से रोक ले। कब होगा ये तेरा पायल का जोड़ा पूरा? कब होगा मेरा परिवार पूरा?
मॉम मॉम हम यहाँ मम्मी जी के कमरे में ऐसे चोरी छुपके क्यों आए हैं? यही रहता है ना श्री का सामान? हाँ क्यों? अगर यहाँ ध्यान से ढूंढेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मॉम कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब आप बिना कुछ भी। आज आपकी बेटी की एंगेजमेंट है, मुझे भी रेडी होना है। आपको यहाँ जासूसी का चस्का लगा है। और वैसे भी वो आशा एक बच्ची है, कोई सीक्रेट एजेंट थोड़ी ना कि कोई मकसद से आई हो इस घर में। नेवर माया, नेवर डाउट योर मदर्स इंस्टिंक्ट। मेरा सिक्स सेंस कहता है कि ये आशा का इस घर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अगर हम ध्यान से ढूंढेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हमें ढूंढना ही होगा। वी हैव टू फाइंड। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ और पापा को कैसे एक साथ लाऊं? कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा, इतनी कोशिश करने के बाद भी। कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है ना श्री? अनुसार शब्द का अर्थ समझती हूँ। अनुसार अर्थात सार के अनुरूप चलना, यानी पहले बात की सार को समझना, उसके पश्चात उसके पीछे चलना। और तुम भी बात की सार को समझो, दुख कम होगा। जीवन में जब भी कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो उसका अर्थ ये होता है कि हम नियति के अनुसार नहीं चलते। परिस्थितियां समय के अनुसार ही बदलेंगी। आज पूरा तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वैभव को, श्रेया को पानी पिलाने के लिए विवश किया है। कब तक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करोगी श्री? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करोगी श्री? नहीं माता, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगी जब तक मेरे मम्मी पापा फिर से एक साथ ना आ जाए। आप मेरे कार्यों में विघ्न डाल रही हैं, इसके लिए आपकी जीत हुई है, नहीं तो मैं ही जीतती। यहाँ जीत और हार का प्रश्न नहीं है श्री, तुम नियति को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रही हो जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसका परिणाम हानिकारक भी हो सकता है श्री, और मैं नहीं चाहती कि मेरा अंश किसी विध्वंस का कारण बने। परिणाम जो भी हो माँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे हर हाल में मेरे माँ पापा एक साथ चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रुको श्री, मेरी चेतावनी को गंभीरता से लो।
मॉम, यहाँ कुछ नहीं है, हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Oh my God, जल्दी जल्दी ये सब अंदर रखना पड़ेगा, come on quick! अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी चलो चलो। बच गए, थैंक गॉड। याशा का फ्रॉक मेरे पास रह गया है। साले साहब, माया जी, साले साहब नजर नहीं आ रहे। वो तो यहाँ नहीं है, कुछ काम था आपको? काम तो था, वो है नहीं तो कोई नहीं, मैं आपको ही बोल देता हूँ, वो ईशा और वैभव की सगाई के बारे में। सगाई के बारे में क्या हुआ? डेकोरेशंस ठीक से शुरू तो हो गई है ना? सजावट तो ठीक है, सगाई ठीक नहीं है। क्या मतलब? देखो, आप ईशा की बहन हो और आप चाहती हो कि वैभव के साथ उसकी सगाई हो जाए, पर आपको बखूबी पता है कि वैभव और श्रेया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं अभी भी। प्लीज ईशा को समझाइए ना, उसको कन्विंस करिए, ये शादी करके वो खुश नहीं रह पाएगी। आई कांट बिलीव इट जीजा जी। 7 साल पहले जो श्रेया ने हम सबसे झूठ बोला था, वैभव से झूठ बोला था, उसे आप भूल गए? घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पर प्यार भी तो करते हैं ना एक दूसरे से। जीजा जी, प्लीज स्टॉप इट। मेरी मॉम ने इतना कुछ किया इस घर के लिए, हम सबके लिए, पर आप फिर भी उनके अगेंस्ट है, ईशा के अगेंस्ट है आप। बट आप तो जानते ही हैं कि आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सगाई तो होकर रहेगी, कोई से रोक नहीं सकता। सो प्लीज आप जाकर रेडी हो जाए। ये क्या है? फूल है ना, इसको ऐसे डाल के रखना, ठीक है? और ये ऐसे नहीं भैया, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होने चाहिए। आप एक वहां पे रख लीजिए, जाइए। अभिराज, क्या है ये सब? ये टेबल, अरे आप दोनों ये टेबल को हटा के ना बीच में रख दो, और ये जो है ना ये शोपीस, इसको हटा दो, ठीक है? श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ना जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। पर अभिराज, ये सब कौन? डोंट वरी श्रेया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सच बात तो ये है कि आई कांट वेट मोर। यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक साथ एक नई लाइफ का पहला स्टेप लेने वाले हैं। फ्रेंड से फियांसी का प्रमोशन हो रहा है मेरा, तो माय फ्यूचर वाइफ, मुझे ज्यादा वेट ना कराएं और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ।
बहुत कोशिश की है माँ पापा आपको साथ लाने की, पर अब टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। इस आइडिया को तो काम करना ही होगा। शुभ नाम शुभ नाम शुभ नाम।